हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से स्पॉटिफाई पे अपनी प्लेलिस्ट को पिन और अनपिन कर सकते हैं। हाउ टू पिन एंड अनपिन प्लेलिस्ट ऑन स्पॉटिफाई। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी स्पॉटिफाई एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। आप अपनी लाइब्रेरी को ओपन करें। नीचे आपको बॉटम पे फोर ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, उनमें से थर्ड ऑप्शन है योर लाइब्रेरी, उस पर टैप करें। यहाँ पे आपको अपनी प्लेलिस्ट नजर आ जाएंगी, जिस तरह से ये प्लेलिस्ट वन एंड प्लेलिस्ट टू है। तो इनमें से जौन सी भी प्लेलिस्ट को आपने पिन करना है, उस प्लेलिस्ट के ऊपर थोड़ी देर के लिए टैप करें तो आपके पास ये ऑप्शन नजर आ जाएगी। इस पे लिखा होगा पिन प्लेलिस्ट, तो इस पे आप टैप करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की पिन जो है वो नजर आ रही है। तो ये था तरीका कि किस तरह से आप प्लेलिस्ट को पिन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप प्लेलिस्ट को अनपिन कर सकते हैं। तो उसका भी सेम ही तरीका है। तो सिमिलरली आप इसी ही जिस प्लेलिस्ट को आपने पिन किया है उसी प्लेलिस्ट को आप अनपिन किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने जौन सी प्लेलिस्ट को पिन किया है उस पे थोड़ी देर के लिए टैप करें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी अनपिन। तो जैसे ही मैं अनपिन पे टैप करूंगी तो ये प्लेलिस्ट जो है ये अनपिन हो गई है। तो ये था बहुत ही सिंपल और इजी सा तरीका कि आप किस तरह से प्लेलिस्ट को पिन और अनपिन कर सकते हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।